नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम है सीजा और मैं हूँ सेफो किड से, जो कि है भारत की ऐसी कंपनी जिसका मकसद है 12 साल की उम्र तक के बच्चों की सुरक्षा में सहयोग देना। सूत्रों के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि कोविड अपने तीसरे पड़ाव की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और बच्चों का इस लहर से प्रभावित होना बहुत ही ज्यादा संभव है। इस दौरान ये खबर बहुत ही चिंताजनक विषय बन गया है पेरेंट्स के लिए। जबकि हमारा मोटिव डर फैलाना नहीं है, बल्कि पेरेंट्स को सावधान और जागरूक करना है कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए ताकि वो इस वायरस से लड़ सके। हमारा मानना है कि इम्यूनिटी रातों रात बढ़ाना संभव तो नहीं है, और जैसा कि माना जा रहा है अगले सितंबर तक ये कोविड की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स को सतर्क करना चाहते हैं ताकि वो अभी से अपने बच्चों की इम्यूनिटी पर काम करना शुरू कर दें। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी कंफ्यूजन में हैं एंड ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस थर्ड वेव में क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। इसी संदर्भ में हम इस वीडियो के जरिए पेरेंट्स को आज बताएंगे कि उनको अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है। क्योंकि हमारे देश में आयुर्वेद को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है और आयुर्वेद के ज्ञान से हम अपनी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसी विशेष चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा, जो कि आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं, और वो हमें आज बताएंगी कि इस थर्ड वेव से हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं और हमें एज अ पेरेंट किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। सो डॉक्टर रीना, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। प्लीज हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, आई एम डॉक्टर रीना अरोड़ा फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड ए प्रैक्टिशनर एंड ए फ्रीक्वेंट स्पीकर एट ऑल इंडिया रेडियो एंड डीडी नेशनल। आई हैव अ यूट्यूब चैनल ऑफ मी एज डॉक्टर रीना अरोड़ा, यू कैन सी मोर हेल्थ अपडेट्स देयर एंड माय वेबसाइट इज ayurvedicclinic.org एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी on this beautiful platform through which you are spreading awareness about COVID. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for being here. Okay, so I'll start with my questions. So, ma'am, जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि ये second wave ने बहुत ज़्यादा effect किया है हमारी Indian population को, and बच्चों में भी बहुत ज़्यादा infections देखी गई हैं, and क्योंकि vaccination अब available नहीं है, and also it is being speculated कि upcoming जो third wave है वो children को सबसे ज़्यादा affect करने वाली है, इसमें आपके क्या views हैं कि ये third wave कैसी होगी and कैसे affect करने वाली है बच्चों को? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, थर्ड वेव प्रिडिक्टेड है तो हम बच्चों को क्या, बड़ों को भी अलर्ट होना चाहिए इसके लिए। सेकेंड वेव इतनी भयानक इसीलिए हुई क्योंकि सब लोग भूल गए कि एक पेंडेमिक आया हुआ है, सब गैदरिंग, सब शादियां, सब बिना मास्क के, सब कुछ पार्टी, सब कुछ हो रही है, और उसके बाद जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था वो तो खैर सबने छोड़ ही दिया था। अभी भी मैं देख रही हूँ इतना दुर्दशा होने के बाद भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, दे आर स्पिटिंग ऑन द रोड्स, स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं कुछ लोग अभी भी। तो ये सब चीज़ें ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये थर्ड वेव सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करेगी। जिन लोगों को फर्स्ट वेव में कुछ नहीं हुआ, सेकेंड वेव में भी कुछ नहीं हुआ, हो सकता है थर्ड वेव में वो लोग भी अफेक्टेड हो सकते हैं अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, जो प्रोफाइलेक्सिस एडवाइज हैं मिनिस्ट्रीज की तरफ से वो फॉलो नहीं करेंगे, तो ये किसी को भी अफेक्ट कर सकती है। अब बच्चों के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि बच्चे फर्स्ट वेव में अफेक्टेड थे या नहीं, वो कैरियर हो सकते हैं डिजीज के, हो सकता है उनको कोई सिम्टम ही ना हुआ हो। सेकेंड वेव में भी बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं, तब भी हो सकता है वो कैरियर हो या हल्की सी खांसी हो, जुकाम हो या फीवरिश फीलिंग हो और वो ठीक हो गए हो और हमें पता ही ना लगा हो कि उनको कोविड हो चुका है। तो इस तरह से ये सिर्फ कहना कि ये बच्चों को ही अफेक्ट करेगा और बड़े निश्चिंत हो जाए, ये गलत होगा। सबको जब तक पेंडेमिक खत्म नहीं होता पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स जो एडवाइस किए गए हैं मैं आगे भी बताऊंगी, उनके बारे में पूरा उनको फॉलो करना चाहिए, तभी आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपके ओपिनियन में अगर पेरेंट्स जैसे कि अवेयर हो भी जाते हैं
एंड वो अपने बच्चों को और बेटर प्रिपेयर करना चाहते हैं थर्ड वेव के लिए, इसमें आपके मायने में आयुर्वेदा का क्या रोल रहेगा इस प्रेपरेशन में थर्ड वेव की, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए? आयुर्वेदा का ये रोल रहेगा, एक आयुष मिनिस्ट्री की एडवाइजरी आई हुई है जिसमें मेरी भी एक वीडियो है यूट्यूब पे, मैं शेयर करूंगी, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप उसमें जो डाइट्स बताई गई हैं, एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, जो योगा बताए गए हैं, वो सब फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। ये इम्यूनिटी अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ इम्यूनिटी नहीं है जैसे एलोपैथिक लैंग्वेज में है, ये हमारी बॉडी का ओज है, जो हमारा स्टेमिना है और वो बीमारियों से लड़ने का, परिस्थितियों में अपने आप को अडेप्ट करने का, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, ये भी इम्यूनिटी के अंदर आती है। तो ये बेसिकली, अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, आजकल सबका रूटीन काफी हद तक खराब हो चुका है, बच्चों का भी, क्योंकि स्कूल नहीं जाना तो बच्चे सुबह उठते नहीं है और आराम से घर पे सारे जंक फूड्स खाते हैं, कोई काम नहीं करना, कोई योगा नहीं करना। ये बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे अगर अफेक्टेड होते हैं तो उनकी हेल्थ ज्यादा डिटेरियोरेट होगी। इसलिए ये चीजें चेंज करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली दिनचर्या एडवाइस है, वो फॉलो करें तो काफी हद तक इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि कई पेरेंट्स एंड कई फैमिलीज एंड हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड वेव में अभी भी विश्वास नहीं करते, क्या ये एडवाइस उनके लिए भी एप्लीकेबल है, इवन इफ दे डोंट ट्रस्ट कि ऐसी कोई वेव हिट करेगी इंडिया को और मे बी वर्ल्ड वाइड, तो ये एडवाइजेस उनके लिए भी एप्लीकेबल हैं? ये एडवाइजेस सबके लिए एप्लीकेबल हैं, क्योंकि अगर थर्ड वेव आती है और हमने फिर वही गलतियां की, अगर हमने सावधानियां नहीं बरती तो हमारी कंडीशन क्या होगी ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं किसी के लिए पैनिक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट जब तक पेंडेमिक खत्म नहीं होता आपको ये प्रिकॉशंस नहीं छोड़नी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, डबल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, पूरा प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स को फॉलो करना और जो आयुर्वेदिक एडवाइजरी दी गई है वो सब कुछ फॉलो करना, नहीं छोड़ना जब तक पेंडेमिक खत्म नहीं होता, चाहे थर्ड वेव आए या ना आए, डज नॉट मैटर। ऑल्सो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे ऐसे कुछ एडवाइजेस के? वैसे आई होप साइड इफेक्ट्स तो नहीं होने चाहिए, पीपल शुड फॉलो दीज एडवाइजेस, बट इफ आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स? ये जो एडवाइजरी है, मैं अगर आगे आप पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ये एक बेहतर दिनचर्या ही है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट हो, बल्कि अगर आप उसको रूटीन में फॉलो करेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि कोविड पेंडेमिक के बाद भी कुछ चीजें छोड़ के बाकी सब कुछ आप चाहेंगे कि मैं इसको करूँ। उसमें सिर्फ यही तीन चार चीजें मेन है, सुबह जल्दी उठिए, योगा कीजिए, नोज में ऑयल डालिए, अगर उसके बेनिफिट्स आप सुनेंगे ना तो आप पेंडेमिक तो क्या पूरी उम्र उसको नहीं छोड़ेंगे। उससे आपकी आईज अच्छी होती हैं, फॉलिंग ऑफ हेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपके फेस का ग्लो मेंटेन होता है, आपकी मेमोरी एनहेंस होती है, अल्जाइमर टाइप की डिजीजेस जो हैं वो, जैसे ब्रेन का जैसे जैसे एजिंग होती है तो सबको भूलने की बीमारी हो जाती है, नींद कम आती है, ये सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती हैं। तो आप इसको कोविड पेंडेमिक के लिए प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स में अगर नहीं यूज करना चाहते तो अपनी हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, ये इतनी अच्छी चीजें एडवाइस की गई है उसमें। डॉक्टर रीना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आर व्यूअर्स अगर आप वो एडवाइजरी का थोड़ा सा समरी हमें बता दें, जरा से क्विक टेक्स बता दें जो इजिली लोग फॉलो कर सकते हैं सिटिंग एट होम। यस, एक तो रफ मैं एक दो तीन चीजें पहले बताऊंगी फिर एडवाइजरी बताऊंगी। जब भी आप घर से बाहर जाएं, नोज में ऑयल लगा के जाएं, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इजिली एंटर नहीं कर सकता, ये एक बायो मास्क बन जाता है नोज में। और दूसरा, जब आप बाहर से घर आते हैं तो गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के उससे गार्गल्स कर सकते हैं। अब एडवाइजरी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, सुबह आप जल्दी उठिए, टॉयलेट वगैरह जाने के बाद हल्का थोड़ा बहुत योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, थोड़ा बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होगा और काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स हैं कि योगा से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जब हम न्यूज़ सुनते हैं और चारों तरफ ऐसी न्यूज़ देखते हैं तो एक स्ट्रेस का माहौल बन जाता है, इसलिए मेडिटेशन करना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है इस टाइम में। सुबह आप 10 ग्राम च्यवनप्राश ले सकते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। नोज में दोनों साइड दो दो बूंदें ऑयल डाल सकते हैं। और एक आयुष काढ़ा एडवाइज्ड है,
उसमें सिर्फ चार चीजें एडवाइज हैं, उसके अलावा प्लीज कुछ भी मत डालिए। लोग 25-25 गरम मसाले डालते हैं फिर बोलते हैं गर्मी हो गई, ऐसा मत कीजिए। सिर्फ एक पिंच जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, थोड़ा सा सिनेमन, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 3-4 तुलसी के पत्ते और 1 या 2 मुनक्का, ये सिर्फ आयुष काढ़ा है। जो नस्से एडवाइज किया गया है एडवाइजरी में, उसमें आप तिल का तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल या गाय का देसी घी, बादाम का तेल, अनु तेल डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। तो इससे आपका ब्रेन इम्प्रूव, ब्रेन की वर्किंग इम्प्रूव होती है, फेस का ग्लो इम्प्रूव होता है, आइज के लिए बहुत अच्छा है, फॉलिंग ऑफ हेयर्स बेटर हो जाता है इससे। तो इसलिए ये तो हमारी नॉर्मल दिनचर्या में एडवाइस है जो आयुष मिनिस्ट्री ने इसमें एडवाइजरी में डाला है। बेसिकली इसका पर्पज है कि आपकी नेजल हेल्थ इम्प्रूव हो, रेस्पिरेटरी हेल्थ भी इम्प्रूव हो, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अंदर एंटर नहीं कर पाए। और जो छोटे बच्चे हैं, आप अगर वो नहीं डलवा रहे हैं तो आप फिंगर से ऑयल लगा सकते हैं, कुछ जो थोड़े से समझदार है वो तो डलवा ही लेंगे इतने बेनिफिट सुन के, तो ये सब कर सकते हैं। और एक चीज और उसमें एडवाइज है कि आप मुंह में ऑयल भर के ऐसे, और उससे आप 5 मिनट गार्गल्स कीजिए, फिर उसको फेंक दीजिए, स्पिट कर दीजिए, फिर गर्म पानी में नमक डाल के उससे कुल्ला करके फिर उसको फेंक सकते हैं। ये माउथ हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए है। बेसिकली इसका भी पर्पज वही है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इजिली अंदर एंटर ना कर। और गर्म पानी एडवाइज किया गया है इसमें, जिसको कोई भी सिम्टम लगे या वैसे भी कफ कोल्ड है, वैसे अगर जो टॉलरेट कर सकता है वो अगर गर्म पानी पिए तो ये अच्छा है रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। डॉक्टर रीना, एक क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है वो ये है कि जैसे कि जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, तो उनके लिए भी एडवाइज्ड है, जैसे आप ऑयल बोल रहे हैं नोज में डालने के लिए, तो उनके लिए भी ये चीज सेफ है प्रैक्टिस करना उन पर? उन पे ये ना करें, उनके लिए मैं और चीज बता रही हूँ आपको। स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद में एडवाइज्ड है, ये एक इम्यूनिटी का प्रोसीजर है हमारा, ये अगर आप बच्चों को देंगे तो उनकी इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी। अगर इन्फेंट्स हैं तो ये सब कुछ जो मैंने बताया है ये उनकी मदर को करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड कर रही होंगी, तो जो भी अगर आयुष काढ़ा पी रही है तो कुछ पार्ट वो बच्चे में जैसे जाना चाहिए वो चला जाएगा। और संशमनी वटी भी एडवाइज्ड है इसमें, गिलोय टैबलेट जो होती है, अश्वगंधा वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये अगर मदर ये सब कर लेगी तो बच्चे के लिए काफी है उतना ही। और स्वर्ण प्राशन संस्कार, ये इन्फेंट्स के लिए इतना इम्यूनिटी बूस्टर काफी है। थैंक यू सो मच मैम, ये सब चीजों की नॉलेज होती नहीं है हम जैसे लोगों को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लग रहा है ये सेशन। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव में व्हाट एज ग्रुप्स वुड यू डिवाइड 0 to 12 इयर्स ऑफ चिल्ड्रन इन, मतलब कौन से ऐसे, मतलब एज ग्रुप डिवाइड आप कैसे करोगे, एंड उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक एडवाइजेस हैं उन एज ग्रुप्स के लिए? तो देखो, जो ब्रेस्ट फीड ले रहे हैं बच्चे जो सिर्फ मदर मिल्क पे हैं 0 to 6 मंथ्स के, उनके लिए मैं कुछ भी एडवाइज नहीं कर रही। सिर्फ उनका जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली पालन पोषण होना चाहिए वो करें, और जैसे हम बोलते हैं कि रात को मसाज करें, सुबह जो रूटीन आपका है बच्चे का भी वही रूटीन होना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चे को वो टॉयलेट वगैरह सुसु पॉटी बीच में करके वो डाइपर पहना के वो 10 बजे तक आप उसको छेड़ नहीं रहे हो, ये गलत है। वो बचपन से ही आप बच्चों को गलत आदतें डालते हैं, तो खुद अपना रूटीन भी ठीक कीजिए और बच्चे का भी। तो 6 मंथ्स तक मदर ये सब चीजें करे जो मैंने बताया एडवाइजरी में, कि वो बीच बीच में स्टीम ले सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं, आयुष काढ़ा पी सकते हैं, गार्गल्स कर सकते हैं, गंडूष मैंने जिसको बोला, नस्य ले सकते हैं। तो ये सब चीजें मदर करे, 6 मंथ्स का बच्चा बेबी है जिनका, वो उतना काफी। और स्वर्ण प्राशन संस्कार आप बच्चे का कर सकते हैं। और 6 मंथ से 2 इयर्स वाले जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, क्योंकि उनकी सेमी सॉलिड डाइट शुरू हो जाती है, तो उनको हम बीच बीच में अगर दूध ऊपर से दे रहे हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के दे सकते हैं, बिकॉज गोल्डन मिल्क इज ऑल्सो एडवाइज इन आयुष एडवाइजरी। वो मदर भी ले सकती है और बच्चे को भी दे सकते हैं। और अगर आप बीच में, कुछ लोग बच्चों को चाय देते हैं थोड़ी बहुत दूध डाल के, उसमें आप आयुष काढ़ा एक थोड़ा सा एक पिंच डाल देंगे तो इट डज नॉट मैटर, वो चलेगा। बस इतना काफी है बच्चों के लिए। च्यवनप्राश हल्का सा एक, अगर 1/3 टीस्पून जरा सा आप बच्चे के जीभ पे रखते हैं तो इट्स ओके। तो और ये काफी है 2 साल तक बच्चों के लिए। और जो उसके बाद 2 साल बाद जो बच्चे की प्रॉपर हमारे जैसी डाइट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसका च्यवनप्राश की डोज थोड़ी बढ़ा सकते हैं। स्वर्ण प्राशन तो करना ही है, और उसके बाद भी अगर चाय वगैरह आप देते हैं तो आयुष काढ़ा, और दूध देते हैं तो उसमें हल्दी मिल्क, दिस इज ओके, इतना काफी है। और जब बच्चा और 5 इयर्स के बाद
बच्चे बिल्कुल हमारी तरह पूरा प्रॉपर खाना खाना शुरू कर देते हैं ऑलमोस्ट, तो फिर उनको थोड़ा सा आयुष काढ़ा आप 1-2 चम्मच दिन में दे सकते हैं, च्यवनप्राश की डोज बढ़ा सकते हैं, स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं, गिलोय का रस बीच बीच में कभी कभी दे सकते हैं, तुलसी का पानी दे सकते हैं, तो ये प्रिकॉशंस। दूसरी बात, उनको बच्चों को भी मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो आपने जरूर फॉलो करवाना है। ये नहीं कि बच्चे आराम से बिना मास्क के सब कुछ खेल रहे हैं, बाहर पार्टीज हो रही हैं, ये सब चीज़ें उनको भी समझानी होंगी। और इसके बाद का जो एज ग्रुप है उनके लिए तो फिर एडल्ट्स वाली एडवाइस ये हो जाती है कि वो प्रॉपर वही च्यवनप्राश लें, आयुष काढ़ा थोड़ा कम क्वांटिटी में वो ले सकते हैं 12 साल तक के बच्चे, उसके बाद एडल्ट वाली एडवाइस 5 से 12 चक्के। और बाकी स्वर्ण प्राशन सबके लिए एडवाइस है, इवन बड़े लोग भी उसको कर सकते हैं, बेसिकली वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। और अश्वगंधा और गिलोय ये सभी ले सकते हैं, बच्चे एक एक टैबलेट डेली ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनकी ग्रोथ अच्छी होगी इससे। और बाकी गार्गल करने में भी कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चे को करके दिखा सकते हैं। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर 12 साल के बाद के जो बच्चे हैं वो पूरा एडल्ट्स वाला जो मैंने एडवाइजरी बताई है वो सब वो फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर रीना, जो आपका ये सजेस्टेड रूटीन है क्या वो लोग भी कंटिन्यू कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी कुछ एलोपैथिक या होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स या कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही हैं, क्या ये रूटीन उनके लिए भी सेफ है फॉलो करना? यस, हाँ वो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उनको प्रॉब्लम होगी। एंड ऑल्सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं पेरेंट्स को इस एडवाइस को फॉलो करने से पहले, कुछ ऐसे डिस्क्लेमर्स, कुछ भी ऐसे जिसे कहते हैं कि एक टू डू लिस्ट है जो फॉलो करनी चाहिए पेरेंट्स को ये एडवाइजेस पे जंप करने से पहले? पेरेंट्स को एक तो अगर उनके बच्चों को कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या कोई और बीमारी है, तो बेटर है किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके वो जाने कि बच्चे का क्या रूटीन होना चाहिए। एक चीज और आयुर्वेद में एडवाइज्ड है, प्रकृति एक CCRAS से मैंने भी ट्रेनिंग की है, मास्टर ट्रेनर हूँ प्रकृति की, उससे हम जानते हैं हर व्यक्ति की प्रकृति जो 7 प्रकार की होती है, वाता पिता कफा, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ और वात पित्त कफ। उसके बेसिस पे हम बच्चों को एनालाइज कर सकते हैं कि उनकी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए या क्या होंगी जिसे ओवर रेट ना करें, उनकी डाइट्स क्या होनी चाहिए, उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, और इस बेसिस पे भी हम बच्चों को ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। तो यही मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि एक तो जनरल मैंने बता दिया वो सारे फॉलो कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके एडवाइजरी के बारे में और अच्छी तरह समझ सकते हैं। और बड़ों के लिए भी है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, बाकी सब कॉमन एडवाइजरी है। लेकिन हाँ, सब्जी फ्रूट ज़्यादा खाएं, अच्छे से एक्सरसाइज करें, जंक फूड्स नहीं खाएं, अपना रूटीन खराब नहीं करें, क्योंकि बॉडी की भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ये नहीं है कि लॉकडाउन है तो जब मर्जी उठ रहे हो, जब मर्जी खा रहे हो, दिस इज नॉट राइट। थैंक यू डॉक्टर रीना फॉर योर टाइम, आपके सजेशंस बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मीनिंगफुल रहेंगे पेरेंट्स के लिए, एंड इनफैक्ट बच्चों के लिए भी अगर वो फॉलो किए जाएं प्रॉपरली, जो भी आपने उसकी चीज़ें बताई हैं पूरी डिटेलिंग की है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड अगर आपके कुछ और ऐसे कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन लाइक क्विक यू कैन से टाइम। सजेशंस वही मैं दोबारा बता रही हूँ, एक बार वो आप सीधा वीडियो का लिंक सबको शेयर कर देना ताकि सब लोग उसको दोबारा से सुने और उसको फॉलो करें, और एक कोविड डाइट्स की वीडियो भी मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, वो भेज देना सबको। और दूसरा, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, योगा प्राणायाम मेडिटेशन, प्राणायाम से लंग हेल्थ इंप्रूव होती है, इसलिए कोविड हो या ना हो आपने प्राणायाम करना है ताकि आप इतने स्ट्रांग बने कि कोविड अगर आए भी तो आपको छू के चला जाए और आपको कुछ भी बीमार नहीं कर पाए, और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अंदर से खुश रहें, और कोशिश करें जितना आप दूसरों की हेल्प कर सकें वो करें, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, एक गुड वेल की अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि जब दूसरे प्रॉब्लम में होते हैं तो अगर हम कुछ करते हैं तो उनको तो अच्छा लगेगा ही, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, ये भी एक एडवाइस है मेरी, एंड फॉलो आयुर्वेदा एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रीना। थैंक यू।